एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। यानी कि हमको पहले एलसीएम निकालना है दी हुई संख्या का, फिर एचसीएफ निकालना है, और फिर ये बताना है कि जो संख्या हमको दी गई है उसका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि अगर हमें एक संख्या दी हुई है, मान लेते हैं हमें एक संख्या दी है 4, दूसरी संख्या दी हुई है 12, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो आ गया 12, और एचसीएफ निकालते हैं तो आ गया 4। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी 12 गुणे जो 4 होगा और इन दोनों का जो गुणनफल होगा एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुणे 4, ये दोनों क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। यानी ये 48 आना चाहिए और ये भी क्या आना चाहिए? 48 आना चाहिए। ये चीज़ हमको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। पहले हमको क्या निकालना होगा? इसका एलसीएम निकालना होगा, फिर एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा 26 और 91 का। 26 ये किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा। 2 एकम 2, 2 तीन 6। अब तो ये 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13। 91 किससे होगा? 91 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये किससे डिवाइड होगा? अगर देखते हैं तो ये होगा हमारा डिवाइड 7 से। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 3 बार में चला जाएगा, फिर 13 से 13 एकम 13। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे, 26 बराबर हो जाएगा 13 गुणे 2 और 91 बराबर हो जाएगा 13 गुणे 7। अब हमको क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वो लिख देते हैं। कॉमन क्या है इसमें? 13। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के लिए हमको क्या करना होगा? जो उभयनिष्ठ है उसको छोड़ देना होगा। जैसे कि 13 यहाँ पे 2 बार है तो उसको एक बार ही लिखेंगे, 13 और यहाँ पे क्या 2 गुणे 7। अब इसका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13 दूनी 26, और 26 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 26 में 7 का गुणा करते हैं तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ये कितना आ गया? 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 182। अब हमको क्या करनी है? जांच करनी है। तो जांच के लिए क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ के। पहली संख्या कितनी दी हुई है? 26। दूसरी संख्या कितनी दी हुई है? 91। एलसीएम हमारा अभी निकाले तो कितना आया? 182। और एचसीएफ निकाले तो कितना आया? 13। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 26 और 91 का। अगर हम 26 और 91 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 26 और 91 का अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 26, और ये 6 9 54 का 4 हासिल में 5, 9 18 19 20 21 22 23। फिर ये हो गया 6 4 2 6, 3 का 3, और ये आ गया 23। अब क्या करना है? इसी तरह वो इसको भी कर लेंगे गुणा। ये कितना है? 182 गुणे 13। 182 गुणे 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 4 5। इसको करेंगे तो ये 2 8 और ये 1, 6 4 2 6, 8 5 13, ये दोनों आ गए बराबर। अब इसको लिख देंगे कितना आ गया? 23 66, यानी 2366, और इधर भी कितना आ गया? 2366। ये हमारा क्या आ गया? दोनों बराबर आ गया, यानी ये प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 510 और 92। इसको कैसे करना है? इसको भी वैसे ही करना है जैसे हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए। इसका भी पहले क्या निकाल देंगे? गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये किससे कट जाएगा? 2 से चला जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? 3 से, 3 8 24 और 3 5 15। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से जाएगा। अभी 3 से तो अभी जाएगा नहीं, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये किससे जाएगा डायरेक्ट? 17 से जाएगा। तो 17 से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17 एकम 17 हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। इसको लिख लेंगे 510 बराबर 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े
सत्र। अभी सत्र 92 वाला भी कर लेंगे। 92 वाला करेंगे तो कैसे होगा, 200 जाएगा पहले, 2 6 8, 2 6 12, फिर 200 चला जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पे 2 6 8 हो सकता है, 2 6 8 और 2 6 12, फिर ये 4 से जाएगा, 2 6 8, 2 3 6। अब ये कैसे होगा, अब ये 3 से, वो 3 से तो ये कटेगा नहीं, अब कैसे कटेगा, ये 2 6 4 है, 2 6 8, 2 6 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, अब ये सीधे जाएगा 23 से, 23 1 23। अब इसको भी एक लिख लेंगे, ये 92 वाला, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 23। अब क्या करना है, उसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा, वो रिपीट नहीं करना है, तो 2 × 2 यहाँ पे फिर से आया तो उसको नहीं लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 17 × 23। और HCF जो कॉमन हो दोनों में, कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अगर इसका सारे का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, गुणा करने के बाद ये LCM जो आ जाएगा वो आएगा 23,460। और HCF कितना आया था, HCF आया था 2। अब वही हमें इसको जांच करनी है, जांच के लिए क्या लिखना होगा, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होना चाहिए, LCM इंटू HCF। पहली संख्या कितनी थी, 510, और दूसरी कितनी थी, 92। यहाँ LCM कितना आया, 23,460, और HCF कितना आया, 2। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। गुणा कैसे करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल गुणा करते हैं, यानी कि 510 गुणा कितना है, 92। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, 2 × 2, 5 × 2 = 10, और ये हो जाएगा 0, 9 × 9, और 9 × 45, ये 0 2 9 5 1 6 4। अब दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 46,920। इसको सीधे सीधे गुणा कर दें, 0 का 0, 6 × 2 = 12, 2 + 1 = 8, 4 × 2 = 8 = 9, 3 × 2 = 6, और 2 × 2 = 4। हमारा ये दोनों बराबर आ गया। और यही चीज़ हमको क्या प्रूफ करनी थी, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए LCM इंटू HCF के। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। हमें इसका क्या करना है, LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, और फिर बताना है कि इनका जो गुणनफल है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। पहले निकालते हैं 336 का LCM। ये किससे होगा, 2 से, 2 × 2, 2 6 12, और 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16, 2 6 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 8, 2 2 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, 3 से, 3 7 21, और 7 1 7। अब इसी तरह इसका करते हैं तो ये 2 से हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, तो ये जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इसको लिख लेंगे, 336 बराबर हमारा कितना आया है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और 54 बराबर कितना आया है, 2 × 3 × 3 × 3। हमें LCM निकालना है। LCM में हमें क्या करना होता है, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में आता है कॉमन वाला उसको छोड़ करके बाकी सारा गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे कि 2, यहाँ पे 2 आया है, 2 लिख लिए, इसके बाद फिर और 2 तो यहाँ पे आया नहीं है, तो फिर ये 3 2 भी लिख लेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2, इसके बाद फिर 3 × 7, यहाँ पे जो रिपीट हुआ है उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 एक बार हम लिख चुके हैं तो इसलिए नहीं लिखेंगे, 3 भी एक बार लिख चुके हैं तो ये भी नहीं लिखेंगे, बचा क्या, ये वाला 3 बचा हुआ है, तो ये वाला 3 हो जाएगा, और फिर ये 3 हो जाएगा। फिर इसका क्या कर देंगे, सारे का गुणा कर देंगे, और HCF में क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, इसको लिख लेंगे, फिर क्या है, ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, इसको लिख लेंगे,
और तीन तो आया नहीं है, ना ही अब दो आया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, छः। यानी कि जो हमारा छः आ गया वो एलसीएफ हो गया, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह में सोलते हैं अड़तालीस, अड़तालीस में फिर हमको गुणा करना है सात का, यानी कि आठ सत्तर छप्पन का छः हासिल पाँच, सात छप्पन अट्ठाईस, उनतीस तीस, इकतीस बत्तीस, तैंतीस, और फिर इसमें तीन तीन का यानी कि तीन क्षेत्र का अठारह का आठ हासिल एक, तीन त्रिका नौ एक दस का जीरो, तीन त्रिका नौ एक दस, फिर तीन का गुणा करना है, यानी कि ये हो जाएगा तीन अठे चौबीस, जीरो तीन एकम तीन, यानी ये आ जाएगा तीन हज़ार चौबीस। अब क्या करना है, इसकी जांच करनी है। जांच में हमको क्या करना होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए एच सी एफ इंटू एल सी एम के। पहली संख्या कितनी दी हुई थी, पहली संख्या दी हुई थी 336 गुणे चौवन के बराबर होना चाहिए 3024 गुणे छः के। इसका हम गुणा करके देख लेते हैं 336 गुणे चौवन का, तो अगर इसका हम गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, छः चौके चौबीस का चार, हाथ में आया दो, चार तीन बारह, तेरह चौदह का चार हासिल एक, तीन चौके बारह एक तेरह, छः पंच तीस का जीरो, आठ पाँच पंद्रह, सोलह सत्रह अठारह आठ हासिल एक, पाँच पंद्रह सोलह, ये कितना हो जाएगा चार चार आठ नौ दस ग्यारह का हासिल एक, छः एक सात एक आठ और ये एक, यानी ये आगे हमारा 181 44। और इसको गुणा करें यहीं पे डायरेक्ट कर दें तो छः चौके चौबीस का चार हासिल दो, छः दो बारह, तेरह चौदह चार, यहाँ पे पूरा हो जाएगा ये, और छः त्रिक अट्ठारह, ये हमारा दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूव करनी थी, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर